उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने 300 भर्तियां निकाली हैं। विभिन्न भागों में व्यक्तिक सहायक और आधुलिपिक के 158 पदों पर भर्तियां निकली हैं। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्थानीय निकाय में लेखालिपिक के 142 पदों पर भर्तियां हैं। इसके अलावा 31 जुलाई से शुरू होंगे इसके आवेदन। 14 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख रखी गई है। किसी भी आवेदन से पहले अभ्यर्थियों के लिए OTR भरना अनिवार्य होगा। तो युवाओं के लिए एक मौका, यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। 300 तकरीबन ये भर्तियां हैं और युवाओं के लिए, आज से युवाओं के लिए बेहद अच्छी खबर यह, अधीनस्थ चयन आयोग ने ये भर्तियां निकाली हैं उत्तराखंड में। तो आपको ये बता दें कि विभिन्न भागों में व्यक्तिगत सहायक और आधुलिपिक के पदों की तकरीबन 158 भर्तियां निकाली गई हैं। इसके अलावा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्थानीय निकाय में लेखालिपिक के 142 पदों पर भर्तियां निकली है। 31 जुलाई से ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 14 सितंबर को आखिरी तारीख होगी जब तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी आवेदन से पहले जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें OTR भरना जरूरी होगा। मनमोहन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन, युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर यहाँ पर, क्योंकि आयोग की तरफ से 300 भर्तियां निकाली गई हैं, और क्या जानकारी? देखिए शिल्पा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिस तरीके से सरकार ने एक बार फिर से तय किया है कि जो भर्तियां पेंडिंग है उनको समय पर शुरुआत कर दी जाए उन भर्तियों की, क्योंकि अगर आज टेस्ट होता है तो उसका रिजल्ट निकलने में अच्छा खासा समय होता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए ये भर्तियां होनी है और ये एक शुरुआत करने की कोशिश राज्य सरकार ने की है कोरोना काल के बाद, और ये एक तरीके से संदेश दिया है कि जैसे जैसे समय और आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो खाली पद है उस पर सरकार आगे बढ़ेगी और जो तमाम पद खाली है उनके लिए भर्तियां के लिए युवाओं से आवेदन मांगे जाएंगे। और इसका एक राजनीतिक कारण यह भी दिखाई देता है कि आने वाले 1.5 वर्ष के बाद चुनाव होगा उत्तराखंड में, तो अगर आज कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो 1 साल के भीतर उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, उनकी पोस्टिंग होगी, तो वो एक मुझे लगता है राज्य सरकार के एजेंडे में। और आने वाले समय में इस तरीके की पहले भी कैबिनेट में अनाउंस किया था कि जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी भर्तियां होनी है, उसके अलावा बाकी और शिक्षा विभाग में होना है समूह की भर्तियां आनी है, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है भर्ती के लिए और सरकार ने तय लिया है कि कुछ विभाग जो खाली है वहां पर भर्तियां की जाएगी ताकि चुनाव से पहले सरकार उसको बताए, जनता के बीच जाए कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी है, स्थायी नौकरियां कितने लोगों को दी है, तो वो एक कोशिश की गई है। और कोरोना के बाद ये खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रक्रिया पूरी ठप हो गई थी, परिस्थितियां इस तरीके की बन गई थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो उसके बाद अगर इस तरीके की चीजें होती कि टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे, तो एक सामान्य दिशा की तरफ बढ़ता हुआ उत्तराखंड भी नजर आ रहा है और भर्ती प्रक्रिया होगी तो उससे युवाओं के लिए नए मौके भी बनेंगे। बिल्कुल ही निश्चित ही उम्मीद भी जगेगी यहाँ पर। मनमोहन, OTR भरना बेहद जरूरी होगा ये कहा जा रहा है, इसको लेकर थोड़ा बताएगा क्या ये है? देखिए ये तमाम चीजें तकनीकी हैं और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है तो उसका पालन करना होता है, धीरे धीरे ये प्रक्रिया बहुत सामान्य हो जाती है, OTR भरना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता, तो वो सारी चीजें हैं जिसको कहा गया है कि वो अनिवार्य है इस प्रक्रिया के दौरान। बिल्कुल मनमोहन, यानी कि जैसा कि जिक्र आप भी कर रहे हैं, चुनाव से पहले ये भर्तियां निकाली गई हैं और भी विभाग हैं जिनमें जगह खाली पड़ी हुई है और समय समय पर इसको लेकर आवाज जो है विपक्ष की तरफ से उठाई भी जाती है, तो ये कहा जा सकता है एक तरीके से सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए भी और ये आंकड़े पेश करने के लिए कि कितनी नौकरियां जो है युवाओं को दी गई हैं उसके लिए ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी खोल दी गई है, इस तरीके से भी इसे देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो 2-3 कैबिनेट 2 हफ्ते पहले लगभग एक कैबिनेट हुई थी जिसमें अनाउंस किया गया था कि जो नर्सिंग स्टाफ के पद राज्य सरकार के पास हैं जो खाली हैं अस्पतालों में उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, वो संख्या करीब 3,000 के आसपास नर्सिंग स्टाफ है जिसको कि सरकार भरेगी पूरे उत्तराखंड में, तो इस तरीके से अलग अलग जगह से कैडर सरकार ने मांगे हैं भर्ती प्रक्रिया के लिए। अब 3.5 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए, तो जो आज भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी निश्चित रूप से 1.25 साल में या 1 साल से कम समय में उन तमाम लोगों को पोस्टिंग मिलती है जिनकी भर्ती प्रक्रिया आज शुरू हो रही है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर मतलब कहा जाए तो फिलहाल मौके हैं युवाओं के पास, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में आवेदन वो करें और जॉब यहाँ पर फिलहाल वो पा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन खुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।